हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपी क्लासेस। इस वीडियो में हम जीडीएस टू एमटीएस के बारे में देखेंगे। ये हमारी 13th क्लास है। इसके पहले के वीडियो में भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। ये हमारा लास्ट टॉपिक है पीओ गाइड 1 से। इसमें हम देखेंगे प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में। इसको हम शॉर्ट में ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन एक तो भी आ सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है द ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट ऑफ अंडर मेंशन आर्टिकल इज़ प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल के नाम दिए हैं जो कि पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजे जा सकते, प्रोहिबिटेड है। तो इसमें है पहला पॉइंट, एनी थिंग विच इज सेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बींग इन फोर्स। यानी जो भी लॉ बनाए हैं उसके हिसाब से जो इरेगुलर है या इलीगल है जो चीज़ें भेजना, वो प्रोहिबिटेड है। लॉ के हिसाब से जो भी चीज़ें भेज नहीं सकते वो सारे यहाँ पर भी प्रोहिबिटेड रहेगी, यानी भेज नहीं सकते। दूसरा कहा गया, एनी इनडिसेंट और ऑब्सेंस प्रिंटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, लिथोग्राफ, इंग्रेविंग, बुक और कार्ड और एनी अदर इनडिसेंट और ऑब्सेंस आर्टिकल। तो कोई भी ऐसी गलत चीज़ें, प्रिंटिंग हो गई या पेंटिंग हो गई जो कि गंदी पेंटिंग बोल सकते, फोटोग्राफ जो गलत फोटोग्राफ है या बेकार के फोटोग्राफ है, लिथोग्राफ, इंग्रेविंग, बुक या कार्ड या ऐसा कोई भी इनडिसेंट और ऑब्सेंस आर्टिकल या गंदे आर्टिकल या फिर गंदी चीज़ें, ऐसे पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजे जा सकते। तीसरा है, एनी लेटर, पोस्ट कार्ड, न्यूज़ पेपर, पैकेट और पार्सल हैविंग ऑन इट और ऑन द कवर देयर ऑफ एनी वर्ड, मार्क और डिज़ाइन ऑफ एन इनडिसेंट, ऑब्सेंस, सीडिशियस, स्क्यूरियस, थ्रेटनिंग और ग्रॉसली ऑफेंसिव नेचर। तो कोई भी ऐसा लेटर, पोस्ट कार्ड या न्यूज़ पेपर या पैकेट या पार्सल जिसके ऊपर ऐसा कुछ शब्द लिखा गया है जो कि गंदी चीज़ें हो या गलत हो या ऐसा कुछ धमकी देने वाला, ऑफेंसिव नेचर का कुछ भी मार्क हो या डिज़ाइन हो या फिर लिखा हुआ वर्ड हो, तो ऐसी चीज़ें भी नहीं भेजी जा सकती। नेक्स्ट, एनी एक्सप्लोसिव, इनफ्लेमेबल, डेंजरस, फिल्थी, नॉक्सियस और डिलीटरियस सब्सटेंस, बट सी क्लॉज 152 एंड 153। तो यहाँ पर कोई भी एक्सप्लोसिव चीज़ होगी या ज्वलनशील पदार्थ या खतरनाक कोई ऐसी चीज़ें हो गई, डेंजरस चीज़ें, ये सब पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजे जा सकते। इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो 152 और 153 क्लॉज में दिए गए हैं। इसमें नोट दिया है, अ लिक्विड इज कंसिडर्ड इनफ्लेमेबल विच हैज़ इट्स फ्लैशिंग पॉइंट बिलो 200 फारेनहाइट व्हेन टेस्टेड इन द मैनर लेड डाउन इन शेड्यूल 3 ऑफ द पेट्रोलियम रूल 1937। तो जिस किसी चीज़ का फ्लैशिंग पॉइंट 200 फारेनहाइट से कम है उसे इनफ्लेमेबल यानी ज्वलनशील लिक्विड माना जाएगा। स्पिरिट्स हैविंग अ फ्लैश पॉइंट ऑफ 90 डिग्री फारेनहाइट और बिलो और हैविंग अ ग्रेटर स्ट्रेंथ दैट अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री अंडर प्रूफ 24% अल्कोहल बॉय वॉल्यूम एंड टर्पेंटाइन एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड वार्निशेस ऑफ ऑल काइंड्स इंक्लूडिंग लिथोग्राफिक वार्निश आर इंक्लूडेड इन द टर्म इनफ्लेमेबल। तो इनफ्लेमेबल में कौन कौन सी चीज़ें आई है, तो पहला तो है स्पिरिट जिसका फ्लैश पॉइंट रहेगा 90 डिग्री फारेनहाइट या उससे नीचे, या फिर ग्रेटर स्ट्रेंथ जिसकी रहेंगी जो कि अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री रहेंगी अंडर प्रूफ जिसमें 24% अल्कोहल रहेगा बाय वॉल्यूम, और दूसरा है एंड टर्पेंटाइन एंड इट्स प्रोडक्ट्स और उसके जो भी कोई प्रोडक्ट है या सभी प्रकार के जो वार्निश है इंक्लूडिंग लिथोग्राफिक वार्निंग्स, ये सारी चीज़ें इनफ्लेमेबल में आएगी। कौन कौन सी, स्पिरिट आएगा, उसके बाद में ये टर्पेंटाइन, वार्निश, ये सब चीज़ें लिथो इनफ्लेमेबल में आएंगे यानी ये नहीं भेज सकते। इसमें नोट टू दिया है, द टर्म एक्सप्लोजिव्स इंक्लूड द आर्टिकल एज डिफाइंड इन द इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884। तो एक्सप्लोजिव का मीनिंग दिया गया है इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 में, द इंडियन एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। दूसरा एक्ट है इंडियन एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 एंड नोटिफिकेशन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर द सेड एक्ट्स। मैचेस आर आल्सो इंक्लूडेड इन द टर्म एक्सप्लोजिव, यानी मैच बॉक्स जो है माचिस उसको भी एक्सप्लोजिव में पकड़ा गया है यानी उसे पोस्ट ऑफिस से नहीं भेज सकते। फिफ्थ पॉइंट है, एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, यानी कोई भी नोकीली चीज़ है, शार्प इंस्ट्रूमेंट जो भी है लेकिन उसे बराबर पैक नहीं किया गया है तो वो भी नहीं भेज सकते।
एक्सप्लेनेशन दिया है, पिन्स मे नॉट बी यूज टू फासन टुगेदर द टू हाफ्स ऑफ रिप्लाई पोस्ट कार्ड और टू फासन द कवर टू पैकेट्स ऑफ अदर पोस्टल आर्टिकल्स एज दे आर लायबल टू इंजर अदर स्मॉल मैटर्स। यानि पिन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते किसके लिए, दो रिप्लाई हाफ यानी रिप्लाई पोस्ट कार्ड में जो दो हाफ है उसको अटैच करने के लिए हम पिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उससे इंजरी हो सकती है, इसीलिए उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, पिन का यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह पैकेट्स के कवर को बांधने के लिए या चिपकाने के लिए या लगाने के लिए भी हम पिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6. एनी लिविंग क्रिएचर और अदर थिंग विच इज़ आइदर नॉक्शियस और लाइकली टू इंजर पोस्टल आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट और एनी ऑफिसर और द पोस्ट ऑफिस। तो लिविंग क्रिएचर यानि जिंदा जो जानवर है उनको भी पोस्ट ऑफिस से नहीं भेज सकते जो कि हार्मफुल है और जिससे बाकी के पोस्टल आर्टिकल को कुछ हार्म या नुकसान हो सकता है या किसी पोस्टल ऑफिसर को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे कोई भी लिविंग क्रिएचर हम पोस्ट ऑफिस से नहीं भेज सकते। इसमें भी एक क्लॉज है जो एक्सेप्शन है 133, 147 और 151। इसमें कुछ ऐसे लिविंग क्रिएचर के नाम दिए जो पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं। 7. टिकट प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ लॉटरी। तो ये लॉटरी टिकट प्रपोजल या एडवर्टाइजमेंट जो है लॉटरी से रिलेटेड ये भी नहीं भेज सकते। और एनी अदर मैटर डिस्क्रिप्टिव ऑफ और अदरवाइज रिलेटिंग टू अ लॉटरी विच इज़ कैलकुलेटेड टू एक्ट एज एन इंड्यूसमेंट टू पर्सन्स टू पार्टिसिपेट इन दैट लॉटरी। तो ऐसे कोई डिस्क्रिप्टिव या लॉटरी से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट होंगे जिससे कि हम लोगों को बोलेंगे कि आओ लॉटरी में इन्वेस्ट करो या लगाओ, तो ये सारी चीज़ें पोस्ट ऑफिस से नहीं भेज सकते। इसमें भी नोट दिया है द प्रोहिबिशन विल नॉट अप्लाई टू लॉटरी ऑर्गेनाइज्ड और ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो लॉटरी ऑथोराइज की है तो ये रिस्ट्रिक्शन उसको लागू नहीं होगा, गवर्नमेंट की लॉटरी को हम पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं। सिंपल सा मीनिंग, प्रोवाइडेड देयर अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द पोस्टल आर्टिकल। कंडीशन ये है कि वो पोस्टल आर्टिकल जिसमें ये लॉटरी की टिकट भेज रहे उसके ऊपर में लिखना चाहिए एक डिक्लेरेशन, अ डिक्लेरेशन बाय द सेंडर ऑफ द पोस्टल आर्टिकल दैट द लॉटरी टिकेट्स और सर्कुलर्स एटसेट्रा कंटेंट देयर इन रिलेट टू अ लॉटरी ऑथोराइज और ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट। मतलब सिंपल सा है, जिस कवर में लॉटरी भेज रहे उसके ऊपर में लिखना होगा, मतलब जो भेज रहा वो लिखेगा कि ये इसके अंदर में पूरी गवर्नमेंट की लॉटरी है। मेंशनिंग द पर्टिकुलर्स नंबर डेट एटसेट्रा ऑफ द नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट नोटिफाइंग द लेटर और ऑथराइजिंग द लॉटरी। और उसके ऊपर और भी ये भी नंबर वगैरह सब लिखना है और नोटिफिकेशन नंबर कौन से नोटिफिकेशन से लॉटरी बेचने की परमिशन मिली वगैरह ये सारी चीज़ें उसके ऊपर देनी है जो भेज रहा, जो भेज रहा और जिस कवर से वो भेज रहे उस कवर के ऊपर। 2. है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो भेज रहा उसका नाम और पता भी इसमें चाहिए। 8. है न्यूज़पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रूल्स लेड डाउन इन द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 एज सब्सिक्वेंटली अमेंडेड हैव नॉट बीन कम्प्लाइड विथ। यानी ऐसे न्यूज़पेपर जो जिसको परमिशन नहीं मिली, शॉर्ट में कहा जाए तो ऐसे न्यूज़पेपर जो पूरी कंडीशंस फॉलो नहीं करते न्यूज़पेपर या बुक का जो एक्ट है उसके हिसाब से, वैसे भी वो न्यूज़पेपर को हम भेज नहीं सकते। 9. गोल्ड कॉइन और बुलियन और बोथ ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹10,000 द वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लॉज 172 आइटम जी ऑफ द लास्ट प्रोविजन टू क्लॉज 182 एंड क्लॉज 184 शाल बी द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट एंड एट द प्लेस ऑफ द पोस्टिंग। तो 10,000 से ज़्यादा के कॉइन या बुलियन, गोल्ड कॉइन या बुलियन या दोनों जिसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है वो भी नहीं भेज सकते, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। 10. ऑल क्लासेस ऑफ आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल ऑफ विच द होल और पार्ट ऑफ द एड्रेस साइड हैज बीन मार्क्ड ऑफ इन टू सेवरल डिविजन इंटेंडेड टू रिसीव सक्सेसिव एड्रेसेस। तो ऐसे भी सारे आर्टिकल जो लेटर मेल के हैं जिसमें पूरा का पूरा एड्रेस पोर्शन या उसका कुछ एड्रेस का पोर्शन ऐसा मार्क किया है जिसमें कि बहुत सारे रिसीवर एड्रेसी जो रिसीव करने वाले हैं
उनके नाम मेंशन किए, मतलब पहले इसको रिसीव देना है, अगर ये नहीं मिला तो दूसरे को देना है, वो नहीं मिला तो तीसरे को देना है, इस तरह से सेक्शन बना के अगर रखे तो ऐसे भी लेटर हम पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजेंगे, सक्सेसिव एड्रेसेस बोल से तो वो नहीं भेज सकते ऐसे लेटर। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा 210 नंबर का रूल है, उसमें दिया है लोकल प्रोहिबिशन, लोकल यानी कुछ पर्टिकुलर इलाके में कुछ कुछ आर्टिकल हम नहीं भेज सकते, तो उसका यहाँ पर डिटेल दिया गया है। पहला है द ट्रांसमिशन बाय द इनलैंड पोस्ट ऑफ द अंडर मेंशन आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड इन द लोकेलिटी शोन। तो नीचे कुछ आर्टिकल के नाम दिए हैं और वो आर्टिकल कौन से एरिया में, इंडिया के कौन से एरिया में वो आर्टिकल प्रोहिबिटेड है यानी नहीं भेज सकते, वो यहाँ पर दिया गया है, इसको हम कहते हैं लोकल प्रोहिबिशन। पहला है बिटवीन टू प्लेसेस इन इंडिया, तो पहला पॉइंट है दो इंडिया के दो प्लेसेस के जगह पे कौन से आर्टिकल नहीं भेज सकते, तो यहाँ पर है पहला ओपियम एंड मॉर्फिया एंड देयर प्रिपरेशंस, कोका लीव्स, इंडियन हेम्प इंक्लूडिंग चरस, भांग, गांजा एंड एक्सट्रैक्ट एंड टिंक्चर ऑफ इंडियन हेम्प, गैनबीज इंडिका, कोकेन एंड इट्स अलाइड ड्रग्स प्रिपरेशन देयर ऑफ सब्जेक्ट टू द एग्जेम्पशन ऑफ। तो यहाँ पर चीज़ें दिए जो चरस, गांजा, भांग वगैरह जो चीज़ें हैं यानी ड्रग्स, वो सब नहीं भेज सकते, उनके नाम दिए यहाँ पे ड्रग्स के। तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि ड्रग्स नहीं भेज जा सकती पोस्ट ऑफिस से, जिसमें कि चरस, भांग और गांजा भी इंक्लूड है, सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन, यहाँ पे भी एग्जेम्पशन आ गया। ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट यानी अगर गवर्नमेंट भेज रही तो चलेगा, एंड द डिस्पैच ऑफ रिकॉग्नाइज मेडिकल प्रिपरेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, यानी कुछ मेडिकल प्रिपरेशन यानी मेडिकल वालों को कुछ परमिशन दी गई है उनको छोड़ के और गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी कोई भी नहीं भेज सकता, कौन क्या नहीं भेज सकता, ये ओपियम, मोरफिया, भांग, चरस, गांजा एट्सेट्रा जो कुछ है, कोकेन, ये सारी जो ड्रग्स है ये नहीं भेज सकते बाकी के इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट कंसाइनमेंट्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द पोस्ट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। तो गवर्नमेंट भेज सकती है लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है कि गवर्नमेंट किस कंडीशन में ये कंसाइनमेंट भेज सकती है। पहला ओनली द पार्सल पोस्ट में बी यूज, तो सिर्फ इसे पार्सल पोस्ट से ही भेजा जा सकता है, ये जो चीज़ें चरस, गांजा वगैरह ये सिर्फ गवर्नमेंट पार्सल पोस्ट से ही भेजेगी। दूसरा द पार्सल शैल बी अकम्पनीड बाय डिक्लेरेशन स्टेटिंग द नेम्स और डेजिग्नेशन ऑफ द कंसाइनी एंड कंसाइनर, द कंटेंट्स ऑफ द पार्सल इन डिटेल एंड इंडेंट नंबर एंड डेट कवरिंग द ट्रांजेक्शन। तो हम पार्सल से भेज रहे, गवर्नमेंट भेज रही है चरस, गांजा एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके ऊपर डिक्लेरेशन होना चाहिए और नाम और डेजिग्नेशन होना चाहिए, कंसाइनी और कंसाइनर जो भेज रहा है उसका भी और जिसको मिलने वाला है उसका भी, दोनों का, और पार्सल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह के ड्रग्स है वो सारे देने चाहिए वहाँ पर डिटेल में, और उसका इंडियन नंबर कौन से इंडियन नंबर से वो भेजा है वो या मांगा है, और डेट कौन से डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पार्सल के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, ओपियम एंड मॉर्फिया एंड देयर प्रिपरेशन, कोका लीव्स एंड हेम्प एंड प्रिपरेशन देयर ऑफ, कोकेन एंड इट्स अलाइड ड्रग्स एंड प्रिपरेशन देयर ऑफ कैन बी सेंड बाय पोस्ट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन बाय एनी केमिस्ट लाइसेंस टू पजेस एंड सेल देम। तो केमिस्ट लोग जो है वो भी भेज सकते, उसकी भी कंडीशन है, लेकिन कौन सी चीज़ें भेज सकती है, ओपियम, मॉर्फिया और उसके जो प्रिपरेशन है कोका लीव्स, हेम्प उसके प्रिपरेशन, कोकेन उसके ड्रग्स, केमिस्ट लोग भेज सकते लाइसेंस जिसको मिला है वो, लेकिन कंडीशन है उसमें भी। पहला दैट दे आर सेंड बाय पार्सल पोस्ट एंड दैट द पार्सल आर इंश्योर्ड, तो पार्सल से भी भेजेंगे इसको, पार्सल पोस्ट से ही भेजेंगे और पार्सल को इंश्योर्ड करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी पार्सल से नहीं जाएंगे, रजिस्टर पार्सल से भी नहीं जाएंगे, लेकिन इसको इंश्योर्ड पार्सल से ही भेजना है। दूसरा दैट देयर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच द डिस्पैचिंग पोस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड एंड दैट इन एवरी केस ट्रांसमिशन इज कवर्ड बाय अ परमिट इशूड बाय द प्रॉपर अथॉरिटीज इन द स्टेट इन विच द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ द पार्सल इज सिचुएटेड। मतलब हम भेज तो रहे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जिस स्टेट में भेज रहे उस स्टेट के गवर्नमेंट ने उस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं किया चाहिए, मैंने उस स्टेट में उस चीज़ की इम्पोर्ट प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लो राजस्थान से महाराष्ट्र में भेज रहे कोकेन मेडिकल के काम से, लेकिन महाराष्ट्र में अगर वो बैन है, वो चीज़ें बैन है, तो इसको नहीं भेजा जा सकता,
इसके साथ में भी वहाँ पर परमिट लगेगा, जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी का, और जिस स्टेट में भेज रहे हैं उस स्टेट का। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि जिस स्टेट में हम भेज रहे हैं उस स्टेट में ये सब चीज़ें अलाउ होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, दैट ईच पार्सल कंटेनिंग एनी ऑफ द ड्रग्स मेंशन इन देयर प्रिपरेशन इज अकम्पनाइड बाय अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग द नेम्स ऑफ द कंसाइनी एंड कंसाइनर, द कंटेंट्स ऑफ द पार्सल इन डिटेल, द परमिट नंबर एंड डेट कवरिंग द ट्रांसमिशन, द नंबर ऑफ द लाइसेंस हेल्ड बाय द कंसाइनी और डिक्लेरेशन दैट द कंसाइनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू हैव इन पोजेशन अ लाइसेंस फॉर द क्वांटिटी कंसर्न एंड एनी फर्दर पर्टिकुलर दैट मे बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर कहा गया कि हर पार्सल जो भेजे जाएगा केमिस्ट के द्वारा या ड्रग्स के द्वारा, तो उसके ऊपर लिखना चाहिए पूरी डिटेल, कौन से ड्रग्स है इसके अंदर में, और उसके अलावा नाम लिखेंगे किसका जो भेज रहा है उसका, और जिसको भेजे जा रहा है उसका, पार्सल का कंटेंट, पार्सल उसकी डिटेल, पार्सल के अंदर में क्या क्या है उसकी डिटेल, उसके बाद में जो भेज रहा है या जो भेजे जा रहा है उसका परमिट नंबर, उसके बाद में डेट, कौन से डेट को भेजे जाएगा, ट्रांसमिशन की डेट, लाइसेंस, लाइसेंस का नंबर चाहिए, कंसाइनी जो है, और एक डिक्लेरेशन चाहिए कि कंसाइनी जो भेज रहा है वो उसको एग्जेम्प्ट है। ये चीजें वो रख सकता है, ऐसा परमिशन उसको मिला है, इस तरह का एक लाइसेंस उसको उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पोर्ट ब्लेयर एंड नॉन कॉर्वी, नॉन कॉर्वी और पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर कौन सी चीजें बैन है उसके बारे में है ये टॉपिक। पहला, द स्किन्स एंड फीदर्स ऑफ ऑल बर्ड्स अदर देन डोमेस्टिक बर्ड्स एक्सेप्ट। तो बर्ड्स की जो स्किन रहते और फीदर्स जो रहते, पंछियों के जो स्किन चमड़ी और उसके पंख, ये वहां पर अलाउड नहीं है। द स्किन एंड फीदर ऑफ ऑल बर्ड्स, सारे बर्ड्स के अलाउड नहीं, अदर देन डोमेस्टिक बर्ड्स, डोमेस्टिक बर्ड को छोड़ के बाकी के बर्ड्स की स्किन और फीदर्स वहां पर अलाउड नहीं है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यहाँ पर एक भी एक्सेप्ट आ गया कंडीशन। पहला, फीदर्स ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के फीदर छोड़ के, शुतुरमुर्ग। दूसरा है, स्किन्स फीदर एक्सपोर्टेड बोनाफाइड एज स्पेसिमेंस इलस्ट्रेटिव ऑफ नेचुरल हिस्ट्री टू और फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर और नॉन कॉर्वी। एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं बोनाफाइड स्पेसिमन के तौर पे नेचुरल हिस्ट्री के लिए, या तो पोर्ट ब्लेयर को या पोर्ट ब्लेयर से दूसरी जगह, साथ ही नॉन कॉर्वी से या वहां से दूसरी जगह, ऐसा हिस्ट्री के काम के लिए नेचुरल हिस्ट्री स्पेसिमेन के तौर पे स्किन फीदर्स भेज सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे भी नोट दिया है, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल कंटेनिंग द स्किन्स और फीदर्स ऑफ बर्ड सच एज फैंस एंड बोज ऑल्सो कम विद इन द अबव प्रोहिबिशन। यानी जो पंखे, छोटे पंखे, हाथ के पंखे जो है या बो जो है, जो पंछियों के स्किन से, चमड़ी से या फिर उसके पंखों से बने हुए है, वो चीजें यहाँ पर नहीं भेजी जा सकती, प्रोहिबिटेड आर्टिकल है ये। नेक्स्ट, ऑल डेंजरस ड्रग एंड नार्कोटिक्स एज डिफाइंड इन द डेंजरस ड्रग एक्ट, सारी तरह की जो खतरनाक ड्रग्स है या नार्कोटिक्स है, ये सब चीजें नहीं भेजी जा सकती पोस्ट ऑफिस से। उसके बाद में पंजाब और दिल्ली में कौन से चीजें बैन है वो देख लेते। कोकालीव एंड हेम्प एंड प्रिपरेशन देयर ऑफ, कोकालीव और हेम्प और उससे जो बनी हुई बाकी की चीज़ें है वो पंजाब और दिल्ली में बैन है। टू और फ्रॉम द पंजाब एंड दिल्ली स्टेट एज वेल एज विद इन द पंजाब एंड दिल्ली स्टेट, यानी पंजाब से भी नहीं भेजी जा सकती और पंजाब को भी नहीं भेजी जा सकती, उसी तरह दिल्ली से बाहर भी नहीं भेजी जा सकती और दिल्ली के अंदर भी नहीं ले जा सकती, उसी तरह दिल्ली के अंदर के इलाके में और पंजाब के अंदर के इलाके में भी ये चीज़ें बैन है। कौन सी? कोकालीव्स एंड हेम्प और उससे बनी हुई चीज़ें। उसके बाद में सिर्फ पंजाब, कच्छ एक्सेप्ट अंडर अ पास साइंड इन द केस ऑफ कच्छ इम्पोर्टेड फ्रॉम द कश्मीर स्टेट बाय द कंजर्वेटर ऑफ कश्मीर सॉइल कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज सर्कल और द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यूटिलाइजेशन डिवीजन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो कच्छ, ये भी चीज़ें पंजाब में बैन है, सिर्फ इसमें एक्सेप्शन है, कच्छ इम्पोर्टेड फ्रॉम कश्मीर स्टेट, कश्मीर से आए हुए जो है वही अलाउड है यहाँ पे। किसके द्वारा? बाय द कंजर्वेटर ऑफ कश्मीर सॉइल कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज सर्कल,
और द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यूटिलाइजेशन डिवीजन जम्मू एंड कश्मीर। तो सिंपल सा, कच्छ अलाउड नहीं है कश्मीर के छोड़ के। नेक्स्ट, इफ नंबर का डिलीट कर दिया है, जी नंबर का। ट्रांसमिशन बाय मीन्स ऑफ लेटर सैंपल एंड पार्सल पोस्ट ऑफ द अंडर मेंशन आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड इन द लोकेलिटी शोन। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दी गई है, कुछ कुछ इलाके में जो बैन है। फ्रॉम एनी प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू एनी प्लेस इन अदर एनी अदर स्टेट इन इंडिया द फॉलोइंग आर्टिकल्स नेमली। तो जम्मू एंड कश्मीर से दूसरी जगह पे नीचे दी गई चीज़ें नहीं भेजी जा सकती, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर भी इनको नहीं लाया जा सकता। पहला है कच्छ, जो अभी हम देखें, कुछ एक्सेप्ट अंडर अ स्पेशल परमिट साइंड बाय द कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कश्मीर। कश्मीर के जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, उनकी परमिशन के बिना कच्छ को नहीं भेजा जा सकता। नोट, द फॉलोइंग ड्रग्स हैव बीन ब्रॉट अंडर द कच्छ एक्ट। नीचे दी गई कुछ ड्रग्स जो है उनको कच्छ एक्ट के अंडर लाया गया है। एंड एज सच देयर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ द अबव प्रोहिबिशन। तो ऐसी ड्रग्स को फिर भेजा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये कच्छ के अंडर आता है, कच्छ एक्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ड्रग्स दिए गए हैं और उनका लोकल नाम क्या है ये बताया गया है। तो पहला है अर्टमीसिया मारिस्टिमा, इसे मोरिन कहते हैं। इनुला बेसिमोसा, पुष्कर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पायरेट ट्रियम सिनिरे फोलियम, इसको पायरेथियम बोलते हैं। एट्रोपा बेलाडोना, इसको बेलाडोना बोलते हैं। एकोनिटन हिट्रोफाइलम, इसको पैटिस बोलते हैं। कोल्चिकम लुटेरम, इसको सुरंजन तलक बोलते हैं। और हाइसोमस नाइजर, इसको बजार भांग बोलते हैं इसको, हाइसोमस नाइजर को। और लावाटोरा कश्मीरियाना, इसको रेशा खात्मी बोलते हैं। और प्रोडोफाइलम अमोडी, इसे बना काकरी बोलते हैं। तो ये सारे ड्रग्स के नाम हैं और इनके लोकल नेम है, इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे वैसे। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन बाय मीन्स ऑफ लेटर एंड सैंपल पोस्ट फ्रॉम एनी प्लेस इन द पंजाब यूपी जम्मू एंड कश्मीर तमिलनाडु वेस्ट बंगाल असम उड़ीसा एंड हिमाचल प्रदेश टू एनी प्लेस इन एनी अदर स्टेट इन इंडिया द आर्टिकल विच आर लाइकली टू कैरी द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट नोन एज सैंजोस, भांग या गांजा। सैंजोस को भांग या गांजा बोलते हैं। एंड एक्सट्रैक्ट एंड टिंक्चर ऑफ इंडियन एग्जेम्पशन स्केल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर नोटिफिकेशन नंबर F6752 डेटेड 11 डेटेड 5/2/1953 आर करेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इशूड अंडर द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पोस्ट एक्ट 1914। तो ये कुछ स्टेट के नाम दिए गए हैं, यहाँ से बाहर की जगह पे भांग या गांजा नहीं भेजा जा सकता। तो कौन से स्टेट है? पहला है पंजाब यूपी जम्मू कश्मीर तमिलनाडु वेस्ट बंगाल असम उड़ीसा एंड हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से बाहर के स्टेट में सैन जोस, ये एक डिस्ट्रक्टिव खतरनाक कीड़ा है ये, जो कि भांग और गांजा के लिए काम में आता है, इसको नहीं भेजा जा सकता दूसरे स्टेट में। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन बाय मीन्स ऑफ लेटर एंड सैंपल पोस्ट फ्रॉम एनी प्लेस तमिलनाडु केरला कर्नाटका टू एनी प्लेस इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया द आर्टिकल विच आर लाइकली टू कैरी द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट नोन एज आइसेरिया परचासी। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन है, उसके द्वारा ये कुछ स्टेट है जहाँ से एक खतरनाक इंसेक्ट कीड़ा आइसेरिया परचासी, इसको बाहर नहीं भेजा जा सकता। कौन से स्टेट है? तो तमिलनाडु केरला कर्नाटक, ये तीन स्टेट से बाहर के स्टेट में ये वाला नहीं भेजा जा सकता, ये इंसेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट है आइसेरिया परचेसी। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन बाय मीन्स ऑफ लेटर इन सैंपल पोस्ट फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ महाराष्ट्र केरला उड़ीसा टू एनी प्लेस इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया ऑफ बनाना बिकॉज ऑफ द डेंजर टू कैरी द डिस्ट्रक्टिव डिसीज नोन एज बंची टॉप मोजेक। यानी ये तीन स्टेट के नाम दिए, यहाँ से बाहर में बनाना नहीं भेजा जा सकता, महाराष्ट्र केरला उड़ीसा, यहाँ से बनाना नहीं भेजा जा सकता इस, क्योंकि ये खतरनाक यहाँ पर बीमारी रहती है, डेंजर बिकॉज ऑफ डेंजर टू कैरी द डिस्ट्रक्टिव डिसीज, क्योंकि अगर बनाना भेजे जाते तो बनाना के साथ में ये एक डिसीज है बंची टॉप मोजेक नाम की, ये बाहर चली जाएगी। तो इसलिए महाराष्ट्र केरला उड़ीसा में
से बनाना बाहर नहीं भेजे जा सकते, ऐसा ये नोटिफिकेशन में दिया है जो कि 1952 का है। तो अभी इसके बारे में डिटेल में आपको ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट 211 नंबर का, ट्रीटमेंट ऑफ इंजूरियस आर्टिकल। अगर मान लो किसी ने भेज दिया इंजूरियस आर्टिकल, खतरनाक चीज़ें या धोखादायक जो चीज़ें हैं वो पोस्ट ऑफिस से भेज दी, तो क्या किया जाएगा उसके बारे में ये आर्टिकल दिया गया। इन एनी केस इन विच ए पोस्ट मास्टर हैज़ गुड रीजन टू सस्पेक्ट दैट द कंटेंट ऑफ एनी पोस्टल आर्टिकल आर लाइकली टू इंजर द मेल्स और हार्म द पर्सन ऑफ एनी वन इंगेज इन द पोस्टल सर्विस, ही इज डायरेक्टेड टू डिटेन द सस्पेक्टेड आर्टिकल एंड टू रिफर द केस एट वंस फॉर द ऑर्डर ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल। मान लो किसी पोस्ट मास्टर को पता चल गया या उसको डाउट हो गया कि इस पार्सल में दो डेंजरस या ऐसी चीज़ें जिससे कि बाकी लोगों को धोखा हो सकता है, तो वो क्या करेगा, ऐसे चीज़ों को डिटेन करके रखेगा यानी रोक के रखेगा और उसको रेफर करेगा हेड ऑफ द सर्कल को, केस रेफर करेगा हेड ऑफ द सर्कल को। जब तक उसकी ऑर्डर नहीं आती हेड ऑफ द सर्कल की, तब तक उसे डिटेन करके रखेंगे अगर उसको डाउट है कि उस पार्सल में कुछ डेंजरस चीज़ें हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल फास्टन विथ पिन विल बी रिटर्न एट वंस टू द सेंडर इफ द इरेगुलरिटी इज डिटेक्टेड एट द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। तो मान लो कोई ऐसी चीज़ें जो पिन से जोड़ी गई है पार्सल में, किसी आर्टिकल में चीज़ें जो है वो पिन से जोड़ी गई है, तो ऐसी चीज़ें रिटर्न टू सेंडर की जाएंगी अगर ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, जिस ऑफिस में पोस्टिंग की है उस ऑफिस में अगर मिलती है तो सेंडर को रिटर्न की जाएगी अगर पिन से चीज़ें बांधी गई है या जोड़ी गई है तो। नेक्स्ट, इफ डिटेक्टेड सब्सिक्वेंटली दे विल बी रिटर्न थ्रू द रिटर्न लेटर ऑफिस द पिन्स बीइंग फर्स्ट रिमूव्ड। अगर मान लो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग जहाँ से पोस्टिंग की है वहाँ से आगे भेज दिया गया, लेकिन आगे पता चला कि इसको में पिन लगाई गई है, तो ऐसी चीज़ों को पहले RLO में भेजा जाएगा रिटर्न लेटर ऑफिस में, उसकी पिन निकाली जाएगी और उसके बाद में उसे रिटर्न टू सेंडर किया जाएगा। 212 नंबर का पॉइंट देख लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोहिबिटेड और ड्यूरेबल आर्टिकल्स। प्रोहिबिटेड और ड्यूरेबल आर्टिकल के ट्रीटमेंट किस तरह से की जाएंगे, एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज प्रोवाइडेड एनी पोस्टल आर्टिकल फाउंड टू कंटेन एनी गुड विच आर बीइंग इंपोर्टेड और ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी एनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विल बी रिटर्न टू द सेंडर एंड इफ ओनली सस्पेक्टेड टू कंटेन सच गुड विल बी फॉरवर्डेड मार्क डाउटफुल टू द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन वेयर इट विल बी ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ द एड्रेस। तो कुछ गलत चीज़ें अगर मान लो उसमें मिलती है जो इंपोर्ट की गई है ट्रांसमिट होने वाली है जो रूल के खिलाफ है, तो ऐसी चीज़ें रिटर्न टू सेंडर की जाएगी अगर मिलती है तो, एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज प्रोवाइडेड द पोस्टल आर्टिकल फाउंड टू कंटेन, ऐसी गलत चीज़ें अगर मिलती है उस आर्टिकल के अंदर में तो उसे रिटर्न टू सेंडर किया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ डाउटफुल है, ऐसा शक है, इफ ओनली सस्पेक्ट, अगर सिर्फ शक है कि उसमें कुछ डाउटफुल चीज़ें है, तो उसके ऊपर डाउटफुल ऐसा मार्क किया जाएगा और उसे आगे भेज दिया जाएगा, और डेस्टिनेशन ऑफिस जब वो मार्क देखेंगे डाउटफुल का, तो वहाँ पर उस पार्सल को ओपन किया जाएगा, उस चीज़ को ओपन किया जाएगा और ओपन डिलीवरी दी जाएगी उस एड्रेस को उसके प्रेजेंस में। नेक्स्ट, इंपोर्टेड पोस्टल आर्टिकल कंटेनिंग कॉइन बुलियन प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी आर्टिकल ऑफ गोल्ड और सिल्वर और अदर आर्टिकल विच आर लायबल टू कस्टम ड्यूटी विल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट अनलेस एंड अंटिल द कस्टम ड्यूटी पेबल हैज बीन पेड। तो ऐसी चीज़ें जो कीमती है जैसे कॉइन हो गया, गोल्ड कॉइन हो गया, या बुलियन हो गया, प्रेशियस स्टोन हो गया, कीमती पत्थर हो गए, ज्वेलरी या आर्टिकल ऑफ गोल्ड सिल्वर सोने चांदी की चीज़ें या अदर आर्टिकल जो जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगना है, तो ऐसी चीज़ों को डायरेक्टली डिलीवर नहीं किया जाएगा, पहले इसको कस्टम भेजा जाएगा कस्टम ड्यूटी के लिए, और जब तक वो कस्टम ड्यूटी पेड नहीं होती उसको डिलीवर नहीं किया जाएगा। 213 नंबर देख लेते हैं, आर्टिकल्स बेयरिंग देयर ऑन एनी मैटर विद द प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो कुछ भड़काऊ चीज़ें अगर किसी आर्टिकल के ऊपर लिखी है, तो ऐसी चीज़ें भी पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजी जाएंगी। नो आर्टिकल विल बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट विच हैज़ देयर ऑन और ऑन द कवर देयर ऑफ एनी मैटर विच इज प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑन विच इज इन फर्दरेंस ऑफ द एम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन और एनी मैटर विच टेंस डायरेक्टली टू कॉज लॉस और इंजरी टू एनी कम्युनिटी और क्लास ऑफ पर्सन व्हाट्स एवर। यानी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण या ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के भड़काऊ लेटर्स या जो भी कुछ चीज़ें अगर उसके ऊपर दिखती है
लेटर के ऊपर, जिससे कि किसी का नुकसान हो सकता है, किसी कम्युनिटी का नुकसान हो सकता है, या दंगे हो सकते हैं, या ऐसा कुछ लॉस हो सकता है, इंजरी हो सकती है, तो ऐसी चीज़ें भी नहीं भेजी जाएंगी। नेक्स्ट, नो आर्टिकल विल बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट विच हैज़ देयर ऑन और ऑन द कवर देयर ऑफ एनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन हु इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो ऐसा कोई आदमी जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, गुनहगार है, या जो भगोड़ा है, तो ऐसे लेटर्स भी या ऐसे आर्टिकल भी आगे नहीं भेजेंगे जाएंगे। और हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 4 चैप्टर 6 ऑफ द इन पिनल कोड। और ऐसे आदमी की तस्वीरें अगर उसके ऊपर लगी है जो कि पनिशेबल यानी जिसको पनिशमेंट हुई है, तो भी ऐसे आर्टिकल को आगे नहीं भेजा जाएगा। तो ऐसे आर्टिकल को क्या किया जाएगा? रिटर्न टू सेंडर। नेक्स्ट, इफ एनी आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट इज फाउंड टू कंट्रावेन द प्रोविजन ऑफ द सब क्लॉज 1 एंड 2, इट विल बी सेंड टू द रिटर्न लेटर ऑफिस फॉर डिस्पोजल। तो ये 1 और 2 में हमने जो देखी चीज़ें, जैसे कोई भड़काऊ मैटर अगर उसके ऊपर में है, या किसी ऐसे आदमी की फोटो है जो कि जिसको सजा हो रही हो गई, या जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है यानी भगोड़ा है, तो ऐसी चीज़ें अगर बाद में मिलती है, आगे ट्रांसमिशन के दौरान मिलती है, तो ऐसी चीज़ों को RLO में भेजा जाएगा पहले रिटर्न लेटर ऑफिस में उसके डिस्पोजल के लिए। नेक्स्ट, 214 पॉइंट नंबर, आर्टिकल विच हैव एनीथिंग रिटर्न प्रिंटेड इम्प्रेस्ड और अटैच टू द एड्रेस साइड। तो ऐसी चीज़ें जिसके एड्रेस साइड पे कुछ लिखा है या इम्प्रेस्ड किया है या ऐसा ही प्रिंट किया है। नो आर्टिकल विल बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट विच हैज़ एनीथिंग रिटर्न प्रिंटेड और अदरवाइज इम्प्रेस्ड अपॉन और अटैच टू इट्स एड्रेस साइड विच आइदर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स बींग लाइकली टू बी मिस्टेकन फॉर स्टैम्प यूज फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज और बाई इनकन्वीनियंट अप्रॉक्सिमेटली टू एनी सच स्टैम्प और बाय टेंडिंग टू प्रिवेंट द ईजी एंड क्विक रीडिंग ऑफ द एड्रेस और इन अदर वे इन इट इट सेल्फ और इन द मैनर इन विच इट इज रिटर्न प्रिंटेड इम्प्रेस्ड और अटैच लाइकली इज इन द ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर जनरल टू इम्ब्रास द ऑफिस ऑफ द पोस्ट ऑफिस डीलिंग विद द सच आर्टिकल। तो ऐसा एड्रेस साइड में अगर कुछ भी लिखा है जिससे कि तकलीफ होती है उसको एड्रेस पढ़ने में, या स्टैम्प जो गलती से ऐसा लगे कि उसके ऊपर स्टैम्प चिपका दिया गया है और नकली स्टैम्प है, इस तरह से कुछ भी चीज़ें ऐसे एड्रेस साइड में अगर लगती है, तो ऐसी चीज़ें भी ट्रांसमिट नहीं होगी। जिसके ऊपर कुछ स्टैम्प का एक डुप्लीकेट स्टैम्प लगा दिया गया है उस तरह से, या फिर कुछ लिख दिया गया है जिससे कि एड्रेस नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ऐसी चीज़ें अगर लगती है तो फिर उस आर्टिकल को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नो आर्टिकल विल बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट विच बियर्स एनी स्टैम्प दैट वॉज एट एनी टाइम बट इज नॉट नाउ इन यूज फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज। यानी बहुत पुराने स्टैम्प जो अभी नहीं चलते, ऐसे स्टैम्प अगर लगाए हैं तो वो आर्टिकल भी वापस भेज दिए जाएंगे। और विच हैज़ प्रिंटेड और अदरवाइज इम्प्रेस्ड अपॉन और अटैच टू इट और एनी पार्ट ऑफ इट अ फैसिमल इमिटेशन लाइकनेस रिप्रोडक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सच स्टैम्प। और कुछ नकली स्टैम्प वगैरह अगर लगाए हैं, डुप्लीकेट स्टैम्प लगाए, तो ऐसे आर्टिकल भी आगे नहीं भेज जाएंगे। इफ एनी आर्टिकल इज इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन फाउंड टू बी कॉन्ट्रावी इन द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज 1 और 2, इट विल रिटर्न टू सेंडर। तो ऐसे आर्टिकल जो मिलते हैं बीच में, यानी ऑफिस ऑफ पोस्टिंग से वो आगे बढ़ गए और बीच में पता चला कि उसके ऊपर नकली स्टैंप लगाए हैं या डुप्लीकेट स्टैंप लगाए हैं, कॉपी किए हुए स्टैंप लगाए हैं, तो ऐसे आर्टिकल को रिटर्न टू सेंडर किया जाएगा। और इसके पहले के क्लॉज में हमने देखा था कि अगर वो कुछ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की चीज़ें या फिर कुछ गलत लिखा हुआ ऐसा कुछ दिखता है, तो उसको RLO भेजा जाएगा। तो ये था हमारा प्रोहिबिटेड आर्टिकल का सेक्शन, ये ख़त्म हो गया है अभी PO Guide 1 का टॉपिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कोई टॉपिक अगर अच्छा मिलता है, तो तब तक चैनल सब्सक्राइब करके रखिए।